देवी अहिल्या की पुण्यतिथि महोत्सव में हर वर्ग और समाज के लोग पालकी यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान लगातार बारिश हो रही थी, फिर भी पालकी में शामिल लोगों और कलाकारों का उत्साह और जोश कम नहीं हुआ। हर वर्ग में काफी जोश नजर आया। यात्रा में अहिल्या सेवा की 20 युवतियां भी शामिल थी और इसके अलावा महिला भजन मंडल, बोहरा समाज, बंजारा समाज, सिंधी समाज, दक्षिण भारतीय समाज, सिख समाज, नेपाली बैंड और अन्य समाज भी सम्मिलित हुए। पालकी का पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। उन्होंने चित्र का पूजन कर उसे पालकी में रखा और कंधे पर लेकर कुछ दूर पालकी को चले भी और एक बग्गी में बालिका माता अहिल्या बनकर बैठी थी। पालकी यात्रा में अखाड़े ने भी विशेष प्रस्तुतियां दी। अहिल्या उत्सव समिति के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक जी और साथ ही में सुधीर जी और राम मुद्रा जी ने बताया कि यात्रा गांधी हॉल से प्रारंभ होकर एमजी रोड, कोठारी मार्केट, राजवाड़ा होते हुए गोपाल मंदिर पहुंची। यहां यात्रा का समापन हुआ। पूरे यात्रा मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्वागत मंच बनाए गए थे और पालकी यात्रा का स्वागत किया गया। दिनेश आचार्य की रिपोर्ट।